हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी सहाय मंगला आज पहली बार नांगल चौधरी बाबा मुकुंद दास गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों के लिए बन रहे टीन शेड का शुभारंभ किया। सरकार की ओर से गौशाला को 5 लाख सहायता राशि की भी घोषणा की गई। पहली बार गौशाला पहुंचने पर कमेटी ने उनका फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मंगला ने मंच से बोलते हुए कहा कि सरकार ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की हैं। गौशाला मांगने से नहीं चलती, इन्हें स्वावलंबी बनाओ, गौ माता लेती नहीं देती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के तहत गौवंश की हत्या पर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने कहा कि आज गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इसके लिए गौशालाओं को गाय के गोबर और मूत्र से उत्पाद बनाने पर बल देना होगा। उन्होंने कहा कि गौशालाएं इस प्रकार की योजनाएं बनाएं। आयोग और प्रदेश सरकार गौशालाओं को अनुदान पर उपकरण उपलब्ध करवाएगी और उनमें 90% तक अनुदान की सहायता करेगी। मंगला ने कहा कि जो गायों के अलग से और बच्चियों के अलग से शेड बनाएगी, ऐसी गौशाला को आयोग की तरफ से 1 लाख की राशि इनाम दी जाएगी। इस मौके पर उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर ने भी एक टीन शेड का शुभारंभ किया। गौशाला में भी तिखी मंच पर बैठने की होड़, जिन स्थानीय छूट भाइयों नेताओं को फोटो का शौक था पहले से ही कुर्सी पर कब्जा कर बैठ गए। बाद में बड़े बड़े दानदाता और संरक्षकों को आम जनता में ही बैठकर संतुष्टि करनी पड़ी। हालांकि ऑफ कैमरा कमेटी ने भी माना कि कुछ लोग बेशर्म हैं, जो गौशाला में कुर्सी ही ढूंढते हैं। हमने बनाई है कि गाय के गोबर से हम डंडे बनाने का काम करेंगे और डंडे बना करके शमशान भूमि में भेजेंगे और डंडे बनाने की मशीन हम आयोग से लेंगे और 90% आपको अनुदान देंगे। हम गाय के गोबर से गमले बनाने का काम करेंगे, हम गाय के गोबर से धूपबत्ती बनाने का काम करेंगे, हम गाय के गोबर से दीवा बनाने का काम करेंगे, टिकिया बनाने का काम करेंगे। जो जो इन कामों को पहुंचाना करेंगे और जो जो ये मशीनें चाहिएंगी आइए उनको इन मशीनों पर 90% अनुदान देंगे आपके बोलने के लिए। इसी तरह से गोमूत्र से फिनाइल बनाने की मशीन को लगाएगा या कोई गोमूत्र से गोबर बनाने लग जाएगा या कीटनाशक दवाइयां बनाएगा गोमूत्र से गोबर से जो जो गौशाला है जो जो प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगी वो प्रोजेक्ट अगर आयोग पे भेजेगा उसके लिए हम 90% उनको अनुदान देंगे। 90% सब्सिडी देंगे उन सब योजनाओं। हमारी योजना है कि हमारे पैसे की कोई कमी नहीं योजनाओं के लिए। हम वन टाइम इनको पैसा दे करके इनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। मैं अपने गौशाला प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज एक ऐसा अच्छा वातावरण है कि आज सरकार भी आपके अनुकूल है, आज प्रशासन भी आपके अनुकूल है और आज अपनी जनता भी हमारे लोग भी आपके अनुकूल है। आज की तारीख में आज इन गौशालाओं को स्वावलंबी बना लो तो काम आएंगे, नहीं तो हम मांग मांग के गौशालाओं को कभी नहीं चलाते। गौशालाओं को गौओं को ममता मत बनाओ, दाता बनाओ। ये दाता है, ये गोबर से हम ये चीज बना सकते हैं जो इनको हम दाता बना सकते हैं। तो इसलिए जो जो गौशाला है जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमने बहुत छोटी छोटी योजना बनाई कि गौशालाओं में हमारे पास बछिया हैं उनका अलग वार्ड बनाओ। तो अगर हमने साल में 10 बछिया पाल ली, 10 की गाय बना ली, आज अगर 10 से 15 लीटर दूध देने वाली गाय है देसी तो उसकी कीमत भी लगभग जो है 30-40 लाख तक हमने अगर ऐसे हम 3-4 लाख तक कर सकते हैं। जो ऐसी गौशाला करेगा बच्चियों को अलग पालेगा, अलग उनका समर्थन करेगा, उनको अलग से उनका जो है समर्थन का काम करेगा, उनके लिए हम प्रोत्साहन 1 लाख रुपये देंगे प्रतिवर्ष, 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष। ये हमने योजना बनाई।